और अतिथियों का स्वागत करें। स्वागत मेला जारी है। मैं रीजनल एडिटर संदीप भंवरगंज जी से आग्रह करूंगा कि अतिथियों का स्वागत करें। बिना बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो तो दिल में जिनके वो हताश कैसे होगा। कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिना ताली के हमें है एहसास कैसे होगा। जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत कीजिए। और अब हम उस मेला की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो मध्य प्रदेश के तमाम सीनियर डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है। हम उनको मैं सबसे पहले हमारे जो डॉक्टर हैं डॉक्टर जतिन धीरवाणी जी को मंच पर आग्रह करता हूं। ऑर्थोपेडिक हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जबलपुर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं डॉक्टर जतिन धीरवाणी। धीरवाणी जी का बहुत बहुत जोरदार तालियों का स्वागत हम करते हैं। इसके साथ ही मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर धीरावानी हैं 1991 में इन्होंने जबलपुर अस्पताल की स्थापना की थी और 300 बेड से अधिक का अस्पताल अभी संचालित कर रहे हैं डॉक्टर राजेश धीरावानी। 30 साल से ज़्यादा के सफ़र में अपने कई अनगिनत लोगों की जान बचाई है। और हम बात करें जो 300 बेड का हॉस्पिटल है उसमें तमाम फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद हैं। हम स्वागत कर रहे हैं हमारे अतिथियों का, वो तमाम जो कंसल्टेंट हैं जो सीनियर डॉक्टर हैं हम उनका स्वागत कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय बिश्नोई साहब, रोहानी साहब लिस्ट के हिसाब से बोलो यार, अवार्ड किसको देना है, सबके नाम मैं आग्रह करता हूं। डॉक्टर प्रज्ञा धीरावानी जी से, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जबलपुर हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्टर की भूमिका भी निभा रही हैं। जोरदार तालियों से डॉक्टर प्रज्ञा धीरावानी जी का स्वागत कीजिए। डॉक्टर प्रज्ञा धीरावानी जी की बात करें तो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से 1983 में पोस्ट ग्रेजुएट किया था और हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट के कई सफलतापूर्वक केस हैंडल किए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रज्ञा धीरावानी जी का। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर आनंद बहरानी जी, एमडी फिजिशियन जबलपुर हॉस्पिटल। डॉक्टर आनंद बहरानी जी साहब मंच पर आए। कंसल्टेंट हैं नेफ्रोलॉजी के जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में डॉक्टर आनंद बहरानी साहब। इन्होंने अरविंदो मेडिकल कॉलेज एंड पोस्ट में मेडिसिन की डिग्री ली थी, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिकंदराबाद तेलंगाना से DRAB नेफ्रोलॉजी में डिग्री हासिल की थी। लंबे समय से जबलपुर हॉस्पिटल से जुड़कर सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर आनंद बहरानी साहब। डॉक्टर आनंद बहरानी साहब के लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। डॉक्टर आनंद बहरानी साहब का स्वागत हमारे अतिथि कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर पुष्पराज पटेल साहब हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। पटेल साहब मंच पर पधारने का कष्ट करें। डॉक्टर पुष्पराज पटेल साहब, पटेल साहब का यहाँ पर स्वागत हो रहा है, मंच पर देख पा रहे हैं। और पटेल साहब की बात करें तो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, MD DNB कार्डियोलॉजी में हैं। एक खासियत ये भी है डॉक्टर पुष्पराज पटेल साहब की, गरीब और लाचार मरीजों की निशुल्क सेवा करते हैं। हम आग्रह करते हैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी मंच पर आएं, डायबिटीज एवं थायराइड हार्मोन्स विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बड़ी गर्वजोशी से अभिजीत श्रीवास्तव जी ने अपने क्षेत्र में और किस तरह से जो वर्तमान परिस्थितियों में जो दिनचर्या है उसमें लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर अजय भंडारी साहब MD मेडिसिन मंच पर पधारें।
भंडारी साहब का स्वागत है और आज हम बात करें मध्य प्रदेश के जो तमाम सीनियर कंसल्टेंट हैं, जो डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अजय भंडारी साहब मंच पर आए। और भंडारी साहब आज हमको बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में किस तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है, किस तरह की मध्य प्रदेश में और तमाम, मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर एस के शिरकर साहब से, न्यूरो सर्जन हैं, मंच पर आएं और एस के शिरकर साहब का स्वागत हो रहा है। देखिए तालियां हैं, तालियां ही जो हमारे अतिथि हैं उनका सम्मान है और अतिथि हमारे सम्मान कर ही रहे हैं मंच से, लेकिन आप भी सम्मान करें तालियों के जरिए और ये तालियों की गड़गड़ाहट है लगातार जारी रहे। डॉक्टर दीपक खंडेलवाल साहब से मैं आग्रह करता हूँ, डॉक्टर दीपक खंडेलवाल साहब मंच पर आएँ, मंच पर पधारें डॉक्टर दीपक खंडेलवाल साहब। डॉक्टर मनीष तिवारी जी, पेट के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे तिवारी साहब से और तिवारी साहब बता रहे थे कि सिर्फ सीजनेबल बीमारी नहीं है, इसका ख्याल तो पेट का ख्याल तो हमें हर समय रखना होगा। डॉक्टर मनीष तिवारी साहब का सम्मान हो रहा है, मैं आग्रह करूंगा के साहू साहब से, के साहू साहब स्वास्थ्य हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, कृपया मंच पर आएँ, मंच पर बता रहे के साहू साहब। जितेंद्र चतुर्वेदी जी को मैं आग्रह करूंगा मंच पर आएं, जितेंद्र चतुर्वेदी जी। डॉक्टर राजीव जैन साहब, डायरेक्टर सुधा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर राजीव जैन साहब को मैं मंच पर आग्रह कर रहा हूं, मंच पर आएं। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल से डॉक्टर राजीव जैन साहब, डॉक्टर सुधा चौधरी जी, डायरेक्टर सुधा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर सुधा चौधरी जी मंच पर आए और हमारे अतिथि सम्मान कर रहे हैं। देखिए तालियों की जो गड़गड़ाहट है लगातार जारी रहे। अभी हमारे जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो जिस तरह से बता रहे थे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश है लगातार, डॉक्टर सुधा चौधरी जी मंच पर पधारें। मैं अगला नाम आमंत्रित कर रहा हूँ, अंतिम अमित खरे साहब, डायरेक्टर स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, अमित खरे साहब मंच पर आएं। डॉक्टर एमसी डाबर जनरल फिजिशियन साहब, डॉक्टर एमसी डाबर साहब मंच पर पधारें। श्री रजत भार्गव जी से आग्रह है मंच पर पधारें, श्री रजत भार्गव जी। रजत भार्गव जी की बात करें तो समाज के सेवा के क्षेत्र में कोई नया नाम नहीं है और देखिए अतिथि भी भार्गव साहब के पास पहुंच गए हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां भार्गव साहब के लिए, श्री रजत भार्गव साहब के लिए जोरदार तालियां। और ये हम देख पा रहे हैं कि जब भार्गव साहब यहाँ पर साथ खड़े हुए हैं तो अतिथि उनका स्वागत करते हुए और अतिथि मंच से उतर कर भार्गव साहब के पास पहुँचे हैं और ये जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। श्री राजेश कुमार जिसे आग्रह है मंच पर पहुँचे हैं, LIC सीनियर डिविजनल मैनेजर श्री राजेश कुमार सिंह साहब। श्री संदीप विजन साहब, डायरेक्टर शेष विलास को मैं आग्रह करूंगा मंच पर आए, संदीप विजन साहब। मार्केटिंग हमारे News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और lalluram.com के मार्केटिंग हेड अनित तिवारी साहब से मेरा आग्रह है मंच पर आएं, मंच पर पधारें। हेमंत बड़गैया साहब समाज से भी हैं, जाना माना नाम है बड़गैया साहब का, उनसे भी आग्रह है मंच पर आएं और स्वागत की इस बेला में शामिल हों। तालियां लगातार बजती रहें, अतिथियों से आग्रह है, हमारे जो तमाम यहाँ पर अतिथि हैं उनसे आग्रह है तालियाँ लगातार बजती रहें और स्वागत की ये बेला यहीं समाप्त होती है। लेकिन एक बार फिर हमारे तमाम जो अतिथि हैं, हमारे तमाम जो इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, हमारे तमाम डॉक्टर्स हैं, उनके स्वागत के लिए एक बार फिर
स्वागत करें, तालियां बजाकर, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। मनोज बघेल सर से आग्रह है, दो शब्द कहकर हमारे जब तमाम अतिथि हैं और हमारे जो तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं उनके सम्मान में दो शब्द कहें। मनोज बघेल सर मंच पे आए और दो शब्द का आग्रह है। स्वागत की बेला यहीं समाप्त होती है। हमारे तमाम अतिथि अभी यहाँ पर मौजूद हैं, हम अभी भी लगातार विचार करेंगे, मंथन करेंगे जिस कार्यक्रम के जरिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं, उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और हम एक बार फिर उन्हीं जो सीनियर कंसल्टेंट हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे मंथन करेंगे। मध्य प्रदेश किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और क्या अभी मध्य प्रदेश को ज़रूरत है, मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर के साहू साहब को, डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य हॉस्पिटल के। के साहू साहब मंच पर आएं। सुरेश पटेल साहब एमडी मेडिसिन, सुरेश पटेल साहब मंच पर पधारे हैं। डॉक्टर राजीव जैन साहब मंच पर पधारे हैं। डॉक्टर सुधा चौधरी जी मंच पर पधारें।